तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज भी हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट मिस्टर सोनू सूद। जोरदार तालियां। सोनू भाजी, आप इतने महीनों से लगातार काम कर रहे हो और आपके चेहरे से भी लग रहा है, खुशी भी दिख रही है कि आप लोग कुछ अच्छा जब काम करते हो तो चेहरे पे एक खुशी दिखती है, लेकिन आपकी आंखों में वो थोड़ी थोड़ी थकावट भी दिख रही है। मैं आपको ज्यादा देर खड़े रखूंगा, प्लीज भाजी यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां सोनू भाजी के लिए। भाजी, अच्छा वो बसों की बात चल रही थी तो एक छोटा सा काम था। अब आप तो अपने ही है, तो अर्चना जी के ना भांजे की शादी है, 22 लोगों की बारात है, कानपुर जानी है। अगर कोई 20 सीटर बस हो आपके पास, 2 सीटें मैंने कम इसलिए मांगी क्योंकि बस तो ये खुद ही चला लेंगे, तो बाकी परमीत सर इनके हस्बैंड वो कंडक्टर बन जाएंगे, तो उस हिसाब से ये आपस की बात है। वैसे अब मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मेरे भांजे की शादी हो ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक ट्रक लेकर मैं भी चला लूँ और मैं किसी को मतलब आज जैसे तुमने मदद की वैसे कर लूँ। ये तो वाकई काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ करे कम है। अच्छा, लोग अपने पड़ोसी से मिलने से डर रहे हैं, ऐसे में ये अपने घर से बाहर निकल के सैकड़ों हजारों लोगों से मिल रहे हैं, कौन सा काढ़ा पी के जाते थे भाजी आप? हाँ, ये बताओ। ऐसा है ना कुछ, मतलब विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जितना काढ़ा इन दिनों में पिया है कभी नहीं। जो वाइफ है मेरी सोनाली, शी वाज आल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व सब हेल्प करने में, बट दिन में अगर 5-7 दफा वो काढ़ा पीती थी, तो मेरा भी काढ़ा एक जब गाड़ी में जाते थे तो एक यू नो थॉमस में पैक ही रहता था कि आप पीते रहो, फोन करके पिया नहीं पिया। आई यूज्ड टू हैव, जब भी याद आया था तो पी लेता था। पर क्या था भैया काढ़ा में, बता दो थोड़ी सी रेसिपी अगर पता हो तो। देखा हर जगह, मतलब इनको मतलब ये नहीं कि कोई आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है उसके काढ़े की रेसिपी भी ले लो। खुद को सुरक्षित रखेंगे, दूसरों को भी तो सुरक्षित रखेंगे यार। प्रॉब्लम पता क्या है, आप तो रेसिपी बता दोगे, उसके बाद ही मुझे बोलेंगे तू बना के ला ना। ये नहीं कि अपने घर से बना लाए, हमें भी एक एक कप दे दे। तो ठीक है, हाँ बताइए भाजी कौन सा काढ़ा था। कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट, मतलब कुछ भी नहीं था, मेरे को तो पता नहीं, जो भी आई थिंक सब पीते वैसे ही था, बट आप विश्वास कीजिए आधी दफा तो जो काढ़ा था वैसे का वैसे ही वापस आता था, और फिर हम लोग धीरे से निकाल के उसको फेंक देते भी, हाँ यार पी लिया हम लोगों ने, तो ऐसा भी होता था। अभी आज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, बट लाइक आई सेड भाई दुआएं करवा रही थी, सही पूछे आपको मैंने। मैं कई बार हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके मैं बैठता था परमिशन के लिए, बड़े घंटों बैठे रहते थे कि यार ये करवाओ, तो मुझे जितने एडिशनल सीपी हैं बॉम्बे के अंदर बड़े अच्छे, संदीप कार्निक साहब, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार सोनू तू इतना फॉलोअप करता है ऐसा लगता है कि तेरे घर वाले खुद ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं हर आधे घंटे में आया, सर परमिशन आ गया कि उसका आ गया, अब एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट भेजिए यार अपने उसका कंप्यूटर का, स्क्रीनशॉट भेजते थे, फिर मैं लखनऊ भेजता था एडीएम को, देखो स्क्रीनशॉट आ गया आपको मेल, फटाफट ओके कर, डीएम साहब को भेज, वो वहां से स्क्रीनशॉट भेजता डीएम साहब, डीसीपी साहब को भेजो, डीसीपी साहब स्क्रीनशॉट भेजो, तो उनको पता था जैसे ही सोनू का फोन आया तुरंत स्क्रीनशॉट भेज के खुद ही भेजते थे। जिस फाइल को 2 या 4 दिन या 10 दिन लगे या नहीं भी कभी होती थी, मैं उसको आधे घंटे में फटाफट जो था उसको ओके करवा के हम लोग उसको ले आते थे और लोग चल पड़ते थे। इच्छा शक्ति जी, where there's a will there's a way। अच्छा, जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग, जैसे महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं, यहाँ से काम शुरू हुआ था, फिर कोई असम से भी फोन कर रहा है कि मैं असम से फंसा हूँ मुझे दिल्ली जाना है, या मैं दिल्ली में फंसा हूँ मुझे असम जाना है, तो सारी जिम्मेदारी ली इनकी टीम ने। फिर अभी इंटरनेशनली भी काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई। एक मैंने एक और चीज पूछनी थी, मेरी टीम में किसी ने कहा था कि पूछना सोनू भाजी से, बीच में आपको एक रिक्वेस्ट आई लड़कियों के ग्रुप की तरफ से, उनको आपने फ्लाइट में भेजा। वो क्या स्टोरी है पाजी? भाई वो उसका चारा नहीं था, वो कोचिन के पास एक जगह है एर्नेकुलम, तो वहाँ पे एक स्टिचिंग फैक्ट्री थी जहाँ पे 170 लड़कियाँ थी और 8-10 लड़के थे जो फंसे हुए थे, उनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, जो ओनर था उसका कुछ पता नहीं चला, वो उड़ीसा में एक जगह है केंद्रपाड़ा करके एक छोटा सा गाँव, वहाँ की थी पूरी गांव के बच्चे थे वो लोग, और काफी उन्होंने कोशिश की, काफी गुहार लगाए, इधर उधर नहीं हुआ, तो फिर कहीं से मुझे वो ट्विटर पे मैसेज आया कि आप इनको निकालिए, और हमने जब उसको स्टडी करना शुरू किया तो हमने देखा कि केरला पूरा लॉकडाउन में था, कोई वहाँ से निकल नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था, उड़ीसा पूरा लॉकडाउन में था, जो भी रास्ते में गुजरना था 2,500 किलोमीटर चलना था वो पूरा का पूरा लॉकडाउन में था, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग इनको भेज नहीं सकते किसी भी तरह ग्राउंड ट्रांसपोर्ट से। फिर मैंने थोड़ी भागदौड़ करके 2-2.5 घंटे के लिए मैंने कोचिन का एयरपोर्ट खुलवाया, 2-2.5 घंटे के लिए भुवनेश्वर का एयरपोर्ट खुलवाया, एयरपोर्ट खुलवाया जी, तो उस समय फर्स्ट टाइम उसी फ्लाइट के लिए खुला था, और रात को 3 बजे मुझे याद है कि मैं उनसे बात कर रहा था, 3 बजे उनको बसेस से सबको 177 बच्चों को वहाँ से मैं कोचिन लेकर आया, कोचिन से फ्लाइट उड़ी, और जब 10:30 बजे भुवनेश्वर लैंड की, तब तक मैं उनके फ़ोन पर ही कोऑर्डिनेशन कर रहा था कि भैया भुवनेश्वर में बसेस हैं, पहुँच गए सब कुछ हो गया, और वो लोग पहुँचे। अगर वो
एयरपोर्ट्स नहीं खुलते दो दो घंटे के लिए, तो शायद वो फंसे रहते, इसलिए पाजी उनको फ्लाइट से भेजना पड़ा पाजी। थैंक यू पाजी। कभी जैसे ऐसा हुआ कि जैसे बहुत सारे लोग घर पहुंच गए जो, तो उन्होंने गांव पहुंच के फ़ोन किया हो आपको कि बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने गांव पहुंच गए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, हमारे दो अंडरवेयर और दो बनियान जो है उधर छूट गई है, तो कोई अगर गोरखपुर आ रहा हो तो उसके हाथ भिजवा देना, ऐसा कई नहीं ऐसे ही अभी मतलब होता है कभी ऐसा भाई? सामान कई बार रुकता रह जाता है, ये मतलब स्पेसिफिकली वो नहीं बोलते कि क्या अंडरवियर है बनियान रह गई, पर सामान काफी लोगों का रहा है और हमने वापस भेजा भी है। अच्छा, एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने ट्रेन भेजी और यहाँ पे उस बंदे ने एक्साइटमेंट में अपना जो सूटकेस था वसाई स्टेशन पे छोड़ दिया और आगे जाके उसने कहीं पे ट्रेन की जो चेन खींच दी कि भैया मेरा तो सूटकेस रह गया वहाँ पे, ट्रेन रुक गई वहाँ पे, तो ट्रेन रुक गई और वहाँ से फोन आया रात को। आरपीएफ हमारे एक शुक्ला साहब हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त बन गए इस दौरान, उन्होंने फोन किया भैया आपने ट्रेन रोक दिया और यू नो पूरा अभी ट्रेन रुकना मतलब यहाँ से यू नो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, वो परमिशन ये वो कैसे करे, कैसे भी करके जो हमारी टीम थी यू नो गोविंद विशाल सब लोग थे, इन लोगों ने सब संभाला उसको और अगले दिन हमने उसका पूरा पूरा जो सामान था भेजा, उत्तराखंड भेजा था हमने सामान, तो वो भेजा से भाई एक्साइटमेंट में बहुत लोग रह जाते हैं, कई बार देख जाना तो बच्चा छोड़ रहा था अपना वापस में, क्या भैया यार तू गांव जाने के चक्कर में बच्चा कहाँ छोड़ के जा रहे हो, ऐसा भी हो रहा था भाई। ओह माय गॉड। पर लोग ना कई कई बार कुछ लोग तो वैसे ही मजे लेते हैं, नॉन सीरियस इतने होते हैं, मैंने खुद देखा पाजी के ट्विटर हैंडल पे एक बंदा लिख रहा था पाजी मैं ना कॉलेज पैदल जा रहा हूँ मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, ऐसे लोगों को रिप्लाई करते हो आप जो ऐसे मतलब नॉन सीरियस कुछ भी लिख देते हैं? नहीं भाई करते हैं बिल्कुल, मुझे याद है कि जब उसने बोला मैंने बोला कि देखो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी वो नदी से तैर के जाते थे, साइकिल पे जाते थे, तुम क्या मोटरसाइकिल पहले इस लाइक कुछ बनो कुछ मेहनत करो, सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीवन एंड देन यू शुड गो। कई तो ऐसे ऐसी फरमाइश करते कहते मैं अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला हूं फलाने गांव में रहता है मुझे मिलवा दो, इन्होंने शायद लिखा भी था कि 3 महीने हो गए मैं अपनी बीवी से नहीं मिल पा रहा हूँ तो तुझे मैं कहाँ से मिलवा दूँ। एक्चुअली भाजी ऐसा है ये मेरी बिल्डिंग के अंदर ऊपर एक मेरा खुद फ्लैट है, आई लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर पे फ्लैट है, तो मैं बहुत दफा तो जाके मैं ऊपर ही सोता था क्योंकि यू नो जब बच्चे घर पे रहते तो बड़ी इच्छा होती थी कि यू नो मैं आई मीन हक दें या कुछ उनको यू नो प्यार करें, बट पूरा दिन जब आप बाहर ऐसे माहौल में रहते तो उन्हें डर लगता था कि यू नो किसी तरह से कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, तो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल हेल्पलेस सिचुएशन। फिर आप बच्चों से इतनी देर मतलब नहीं मैं मिलता था, लेकिन जैसा अभी भी हम लोग वैसा नहीं अफेक्शन दिखा सकते जैसा है, बट आई जस्ट ट्राई टू यू नो स्पेंड टाइम विद देम, थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, बट एक डर जरूर रहता है कि कहीं यू नो यू शुडंट पास एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन टू देम। पर पाजी ये जो आप काम कर रहे हैं ना ये मतलब आप सिर्फ अभी अपने परिवार के नहीं है, लाखों करोड़ों माएं जो आपको दुआएं दे रही हैं, बहुत दुआएं तुम्हारे साथ दोनों एक्चुअली, और आप जो अपने परिवार से दूर रहके जैसे आप ये किससे बता रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा परिवार हो गया बाजी आपका, देखो लाखों लोग हैं आपकी फैमिली। भैया विश्वास आज भी मुझे हर रोज सुबह यू नो कोई मैसेजेस, कोई गुड मॉर्निंग, कोई अपनी फोटोग्राफ भेजेगा, कोई बच्चों की फोटोग्राफ भेजेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप यू नो असम की बात करें, उत्तराखंड, उड़ीसा, बिहार, यूपी, झारखंड, कहीं पे भी बात करें सब जगह परिवार है, और उन लोगों को जो छोटी छोटी घर की चीज़ें होती है, आज सर हमने ये लिट्टी चोखा बनाया, देखिए सर हमने आप कब खाने आएंगे, और कई बार रात को यू नो अनजान कोई फ़ोन कर देता है कि पाजी हम कहाँ कर रहे थे सोनू भैया, हम यहाँ पे बिहार में मधुबनी में, हम हमारे चाचा जी हमसे बात करेंगे कहा, तो मैं क्या अच्छा यार बात करा दो, तो मुझे पता नहीं कौन है वो, बट आई मीन दे फील कि आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली, तो दे यू नो। पर एक बात तो पक्की सोनू भाई, जिस तरह हर स्टेट में जाके या हर स्टेट के लोगों को आपने वहाँ पहुँचाया, अब आप कभी अपनी फैमिली के साथ कभी घूमने जाएं कहीं पे भी, ना आपको होटल लेने की जरूरत है, किसी का भी घर का दरवाजा खटखटा दो, लोगों के दरवाजे खुलने आपके लिए। पर ये जो आपने जनता की जो सेवा कर रहे हैं उसके बाद ऑब्वियसली इतनी सारी दुआएं मिल रही है, तो अर्चना जी का ये पूछना था कि उसके बाद जो आपको फिल्मों के ऑफर ज्यादा आ रहे हैं या चुनाव लड़ने के ऑफर आ रहे हैं, तो अगर आपने चुनाव लड़ना है तो जो फिल्में हैं वो इनको दे दो, डॉला तो इनका आधा इंच ज्यादा ही होगा आपसे, कम तो नहीं है। पर भाजी वैसे ऐसे पॉलिटिकल लोग आपको अप्रोच करते तो होंगे भाई, मेरे को ना एक दो तो मैंने देखा कि आपको गवर्नर साहब ने जो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर है उन्होंने बुला के बहुत अप्रिशिएट किया, फिर हमारे जो सीएम साहब है उद्धव ठाकरे जी उन्होंने बुलाया उनको बहुत अप्रिशिएट किया, तो ऐसा भी हुआ है कि किसी पार्टी ने आपको बोला होगा सोनू जी अगली बार आप हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ो? देखिए ऐसा उन्हें डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं कि बड़ा अच्छा काम करें, मुझे पहले भी 10 साल से मुझे ऑफर आते हैं कि आप यू नो आप कुछ लड़िए यू नो आप कर सकते अच्छा, पर मुझे लगता है एज एन एक्टर अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, एंड आई थरली एंजॉय एज एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और मुझे लगता है कि अगर मैं शायद
किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता तो ये सब नहीं करना पड़ता, हर चीज पूछनी पड़ती कि कर सकते हैं नहीं कर। हर हर स्टेट हर गवर्नमेंट आपके सपोर्ट में है। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई भी देश का ऐसा, हम लोग उस दिन हमारी पूरी टीम बैठी थी, हम लोग पूरा मैप कर रहे थे कहाँ कहाँ भेजा है। मैम एक भी स्टेट नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने भेजा, एक भी नहीं है, सब जगह भेजा हम लोगों ने। तेरी भुआ की शादी, कितना नाच रही तू, कितना डांस क्यों कर रही है? 4 महीने से भरेली पड़ी हूँ मैं, आज अपना पूरा टैलेंट दिखाएगी, सब कुछ दिखाएगी इधर। हाय हाय, वेरी नाइस, यू टीवी आई है, छेदीलाल यू डांस, वेरी नाइस, हाउ हाउ, कैसे आप, ठीक है सब, मजे में, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप इधर आए, इतना लाफ्टर, अगर सिद्धू जी रहते ना तो मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन देते, गले लगा लेते वो मेरे को, आप बस अपने घर के वीडियो बनाते रहो। आम पक गए, पत्ते झड़ गए, किसान भाइयों की पंचायत खोल के बैठी रहती थी। आपको मालूम है सरकार ने लॉकडाउन इन्हीं की वजह से खोले ले कि बाबा लॉकडाउन खोल दो, इनका वीडियो बहुत टॉर्चर करता है, बंद करो। कि क्या बकवास कर रही है सोनू भाजी, इतनी देर बाद आए तो चाय पानी पूछ उनको। हाँ, वेरी नाइस। क्या लेंगे आप बताइए? जो आप विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, अश्वगंधा, च्यवनप्राश। हाँ सच्ची में, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए यही सब लगता है। हाँ। और कम्युनिटी स्ट्रांग करने के लिए आज की डेट में सोनू सूद लगता है, जोर दत्ता। ताली हो जाए। ये क्या कर रही है? 2 गज की दूरी, 2 गज की दूरी, मैं 2 फीट की दूरी बना के रखी सच्ची में। हाँ मैं तो 4 महीने नहाई भी नहीं। हाँ क्योंकि हाथ आपस में मिलते हैं ना तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। क्या बात है, कैसा माहौल हो गया ना दुनिया में, कमाल है ना, किसी के बस में कुछ रहा ही नहीं, आपके बस में सब रहा ना। मेरी बस में सब लोग निकले, सब लोग निकले आपके बस के अंदर, आपने बस में सबको भेजा। आपको मालूम है ट्रेन को कितनी ईगो प्रॉब्लम हो गई, अब जाके लाइन पे आइए। हाँ मैंने नहीं, लाइन पे पहले भी आती थी लेकिन फिर खेत में आ जाती थी। हाँ क्योंकि लोग जाके लाइन पे बैठ जाते थे ना। आप लोग को बोल रही है मैं, लाइन पे नहीं जाने का, टॉयलेट जाने का। नहीं बाथरूम आए तो टॉयलेट जाने का, नहीं कि मैं बोलती तो टॉयलेट चले गए। मेरा भी बात सुनते है कभी कभी। सपना तू जब से आई फालतू बातें कर रही है, वो बात तूने की नहीं, कितने लोगों को घर पहुंचाया सोनू भाजी ने? हाँ बहुत लोग को घर पहुंचाया है ना, बहुत। आपको तो पूरे हिंदुस्तान का पिन कोड पता चल गया होगा अभी। पिन कोड भी पता है, गली भी पता है, एड्रेस भी पता है, सब है ना? सब कुछ। आपने लॉकडाउन में लोगों को घर पहुंचाया है ना, इधर कोई ऐसा है जिसने लॉकडाउन से पहले किसी को घर पहुंचाया था? खैर हमको क्या लेना देना, ठोको ताली। अच्छा सर, अर्चना जी का एक मैसेज था आपके लिए। हाँ वो आप बसों में भेजते हैं ना सबको, तो उनका ना एक बस खाली पड़ा है, उसको जरा भाड़े पे लगवाओ ना, पैसा आएंगे उनको। एक्चुअली फोन आया था मुझे। हाँ, जब मैं भेज रहा था तो उन्होंने फोन किया था कि एक मेरी भी बस है तो मैं भी भेज दूं, तो मैंने जब भेजा उसके अंदर ना तो ड्राइवर था, ना उसके अंदर टायर थे, ना उसके अंदर पेट्रोल था। हाँ। बस ऊपर का खांचा खड़ा हुआ था। क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होती बसें चलती, उसके लिए परमिट चाहिए होता है। अरे कितने सालों से परमिट है उनके पास में, और वो भी ऐसा वैसा परमिट नहीं, सेठी के साथ परमिट रखे ला इन्होंने। लेकिन सच्ची में तो हम लोग ऐसा मजाक करते हैं, मैं आपकी तारीफ में, मेरे को मैं क्या बोलूं अर्चना जी इनकी तारीफ में, नहीं सच्ची में मैं आज छाती ठोक के बोलती है, सारे हीरो एक तरफ और सारी हीरोइन एक तरफ, क्योंकि लॉकडाउन था ना सब एक तरफ ही थे सब इधर। मैं सच्ची बोलती है, लेकिन सब घर में थे, आप बाहर निकले। हाँ। मैं सैल्यूट करती है सच्ची में और दिल से बोलती है, पैसा तो बहुत लोग के पास है अर्चना जी। हाँ। लेकिन डॉलर सिर्फ अंग्रेजों के पास में। ए, ये डॉलर का कैसा भाव चलता है, मतलब उनको क्या पता होगा, इन्होंने साउथ में काम किए ना तो इनको डॉलर का पता नहीं है। साउथ में डॉलर कहाँ चलते हैं? नहीं चलते, नहीं वो मेरे को लगा नाला सुपर है क्या, डॉलर ही चलते।
आखिर आपने साउथ में पिक्चर में बहुत काम किया है ना जी। कितना पिक्चर किया आप? मैंने अभी 60-70 फिल्में कर ली। 60-70 फिल्में किए? मेरे छोटे से काम करेंगे? बड़ा भी करूंगा। हाँ बड़ा। मेरे को इडली सांभर खिलाएंगे क्या? बिल्कुल। और इडली सांभर से याद आया अर्चना जी, 200 लोग जितने हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में इडली सांभर खाते हैं साइकिल्स पे, जितने साउथ इंडियन भेजते हैं, हमने उसमें से 230 लोगों को चेन्नई भी भेजा था पूरे लॉकडाउन के अंदर जो नहीं थे। 230 लोग इडली सांभर वाले। सुन कितने महान काम कर रहे हो। तू सुन, इडली सांभर खिलाए ना मेरे को। गेस्ट को ऑफर करते, मांगते नहीं उनसे? मैं इनको ऑफर नहीं करी। क्यों? मैं इनसे नाराज हूं। क्यों? किस बात से? हाँ, इन्होंने मेरा छावा है ना मुकेश, उसको घर पे भिजवा दिया। हाँ तो ये तो अच्छी बात होगी ना फिर। अरे मेरे नहीं, किसी और के घर पे भिजवा दिया। किधर और बैठे ना वो, इधर आने का नाम ही नहीं रेले। मालूम है उसके साथ कितना प्रॉब्लम हुआ बेचारे को? उसको बेचारे को जूस पिला दिया, उसका तबीयत खराब हो गया है। जूस से तो तबीयत अच्छी होती है। अरे फ्रेश जूस दिया ना उसको, लेटरिन लगे। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को फ्रेश का आदत नहीं है। लेकिन सच्ची में आपने बहुत लोग को पहुंचाया इधर उधर की, इधर यूपी बिहार में तो आप इतने फेमस हो गए कि उधर अभी लॉकडाउन में जिन जिन को बच्चे हुए ना, सब ने बच्चों का नाम सोनू सूद रखे ले। सच्ची में एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने रखा है। हाँ, और हमारे नाला सोपर में तो बहुत सारे हुए। हाँ, तो उसमें क्या क्या नाम रखे उन लोगों ने? कोविड मिश्रा, मास गुप्ता, सैनिटाइजर शर्मा, ऐसे सबका रखे ले। सैनिटाइजर को तो बेचारे को तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। क्यों? कोई भी घर पे आते ना उसके मुंह पे ऐसा हाथ रगड़ के चला जाए। खैर जो भी है, मैं सच्ची बोलती है, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में तो आपको बहुत टाइम से जानती है जी। इतना मेहनत करते हैं आप, इतना लोगों की आपने मदद के लिए, इतना हिट फिल्म करते है, तो 1 करोड़ रुपया देना मेरे को कप्पू। पहले तो तू गेस्ट से मांगती थी। इनका इतना खर्चा हो गया, अब इनसे पैसा भी मांगेगी क्या? मैं आप मेरे को 50 लाख दे दो चलेगा। मैं उसमें अपना काम चला लेगी। खैर मेरे को आपको पैसे का क्या कमी, इतना मस्त मस्त पिक्चर के लिए, एंटरटेनमेंट पिक्चर इनका क्या मस्त लगा था ना। वही उसी का नाम लिया, और भी तो इन्होंने इतनी सारी फिल्में की। बहुत मशहूर कलाकार था, आपको पता नहीं है? अरे इनकी पहचान वाला बंदा है, मेरे भाई है ना कृष्णा। सच्ची में उस पिक्चर में आप थे, ओ कृष्णा और ये लोग सब लोग। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कुत्ते को ही ले। हाँ देखो ना आज कृष्णा कितना काम कर रहा है, मैं उसी कुत्ते की बात कर रहा आप ना मेरे को हमारे नाला सुपर में ना उधर 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्या लगेंगे? कि क्या है ना, उधर उन लोगों ने मेरा मूल देखा है, अब मैं इनको ले जाके उनको मेरा सूद भी दिखाएगी। खैर मेरा ना एक छोटा सा पार्लर है इधर जी। हाँ, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहते हैं, तो मैं आपके लिए मसाज ले आया अलग अलग जी। तो आपके लिए स्पेशल मसाज है लॉकडाउन मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर का एक पैर पे तेल लगाते हैं, उसका पैर इधर डालते हैं, फिर दूसरे पैर पे तेल लगाते हैं, दूसरा पैर इधर डालते हैं, फिर दोनों हाथ फंसा के उसको लॉक कर देते हैं, फिर उसको कुर्सी से नीचे रखते हैं डाउन में, ऐसा रहता है लॉकडाउन मसाज। फिर हमारा दूसरा मसाज है अनलॉकडाउन मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें करते हैं हम उसको 2 चमाट मारते हैं, बोलते हैं अनलॉकडाउन हो गया, खुल गया, बाहर जाके काम कर, इधर कैसा पड़े लाइफ को। इंडिया का कैपिटल भी तो बढ़ाने ना, पैसा आना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में। फिर आपका आपने तो मस्त काम किया था वो जैकी चैन के साथ में ना जी। ओ मस्त, तो मेरे पास जैकी चैन मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, जय आता है मसाज कराने, ठीक है? हम उसका मस्त मसाज करते है, फिर वो हमको पैसा नहीं देते, तो हम उसका वो खींच लेते हैं। वो क्या? जैकी चैन। फिर मेरे अर्जेंट कॉल आया है जी। आपके फ्रेंड है ना वो फरा खान जी। उनके हस्बैंड है, क्या नाम है, शिरीष। शिरीष जी। हाँ, वो अपना कुंदर भूल गए किधर। तो उनका कुंदर भूल गए, उनको कुंदर देने के लिए जाने के मेरे को जल्दी जाने। मैं जाती हाँ, मैं तो बहुत लोग को मदद की इंडस्ट्री में। शिल्पा शेट्टी ने उनका हस्बैंड को ना वो राज कुंद्रा, हमें बांद्रा जाके उसका कुंद्रा देकर आई थी, बहुत मेरे को प्रॉब्लम है लेते मैं चलती है। आप इधर सेफ्टी अपना पूरा रखना है, ये आप लीजिए जी जी। थैंक यू। हाँ, आप सैनिटाइजर लगाइए, हम लोग सोनू टाइजर लगाते हैं, क्योंकि आज से हमारा स्टार सोनू सूद है। सोनू जी के लिए जोरदार ताली। कप्पू तू भी ले, सेफ रहने का। बाय। तो दोस्तों, सोनू पाजी और उनकी टीम ने जो
इतने सारे लोगों को जिनको घर पहुंचाया है, उनमें से कुछ जो है वो इस समय हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी उनसे मिलें प्लीज। नमस्कार जी। नमस्कार। आप हमें देख तो नहीं पा रहे होंगे कि देख पा रहे हैं? देख पा रहे। अच्छा तो कैसी है मेरी जैकेट? अच्छा अच्छी सर। नमस्कार जी, कैसे आप अपने घर सुरक्षित पहुंच गए? नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा है, सुरक्षित में पहुंच गया सर। आपका नाम प्रशांत है राइट? हाँ, प्रशांत कुमार प्रधान सर। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अब जब अपने घर पहुंचे हैं तो सब घर परिवार कैसा है आपका? ठीक है? सब ठीक ठाक है सर। मम्मी पापा बहुत खुशी है, सोनू सर ने भेजा है, इसके लिए बहुत खुशी है सर। स्वीट। आपके साथ जो अभी तीन लोग और भी हैं, आप सब लोग मुंबई से वहाँ गए भुवनेश्वर? नहीं नहीं, अलग अलग है। कोचीन? कोचीन। आप कोची से? ओके ओके जी जी जी, कोची से सर। तो कोची में क्या करते थे प्रशांत? सर मैं तो प्लम्बिंग का काम करता था सर। प्लम्बिंग का काम और वेल्डिंग का काम दोनों में जानता हूँ सर। और बाकी जो लोग थे सभी वो लोग दूसरे काम कर रहे थे। जब भी मैंने सुनू सर का पास पहले नंबर लगाया, फोन लगाया, नेट से मेरे को नंबर मिला, तो सुनू सर मुझे बोले, मैं भी उनको बताया सर मैं सिंगल नहीं है, मेरे साथ 170 लोग है। सुनू सर भी बोले मैं आपके लिए कुछ बस का नहीं तो ट्रेन का इंतजाम करता है। फिर मेरे को क्या बोले, नहीं नहीं प्रशांत, तुम्हारा लिए मैं फ्लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। मैंने सुना आपने एक वेल्डिंग शॉप भी खोला है सोनू भाजी के नाम से। हाँ सर, एक दुकान का नाम रख लिया, मतलब दुकान मेरा बंद था, पुराना दुकान था, वो चालू किया अभी, तो सुनु सर का नाम में रख लिया। सो स्वीट यार, दैट इज सो स्वीट। सोनू बाजी और उनकी टीम ने बहुत सारे लोग हैं जिनको उनके घर पहुंचाया, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो हैं वो दूसरी स्टेट्स में हैं, जो जाना चाह रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे कुछ आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सुनू सर गॉड जैसा है, अगर किसका मदद चाहिए तो सुनू सर का मदद ले घर पहुंचा जाएगा अच्छा से। तो स्वीट यार। चलिए, अपने घर परिवार को सभी को हमारी तरफ से नमस्कार बोलिएगा और खुश रहिए बस, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सोनू बाजी को दुआएं देते रहिए बस, ये और अच्छा काम करते रहे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। और जो आपके इधर खड़े हैं बगल में पीछे जो चेक शर्ट में, उनको कब भागा करें। मेरा सुनू सर के लिए और एक बात है सर। हाँ। जी। मैं सर जगन्नाथ का प्रार्थना करता हूँ। अच्छा। तो सुनू सर जिंदगी में सबसे अच्छा रहना चाहता हूँ उनके लिए। थैंक यू सो मच प्रशांत। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपके तीनों दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कुछ नहीं बोले। शुक्रिया। शुक्रिया प्रशांत जी, थैंक यू, बाय। यार कितने खुश हो ना। सो स्वीट यार, सो स्वीट। नेक्स्ट। हेलो, सो स्वीट। कैसे आप? कौन? मैं के सोनू बाजी। हेलो, हमें कहाँ से देख रहे हैं ये लोग? वो कैमरे से फोन के कैमरे। अच्छा, से देख रहे ना आपको? अच्छा सॉरी, मेरी बहन तो गुस्सा ही कर गई। मेरी बात सुनो, क्या क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम साक्षी दुबे। साक्षी? यस सर। और आपके साथ आप, ये आपकी सिस्टर है? यस सर। आपका क्या नाम है? गौरी। गौरी, गौरी। साक्षी और गौरी, आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आप कहाँ से बोल रही हैं? अभी तो सर बिकॉज ऑफ सोनू सर हम हमारे गांव से बोल रहे हैं। और आधे घंटे बाद कहाँ से बोलेंगे? अभी तो मैं कौन कौन सा गाँव है साक्षी आपका? हमारा यूपी जौनपुर। जौनपुर। और सोनू पाजी ने आपको आपके घर पहुंचाया? कहां से पहुंचाया? कहां से? सर कहानी शुरू होती है मेरी सिस्टर से। तो हम बैठ जाएं? कहानी लंबी है कि छोटी है? छोटी सी है। अच्छा, शॉर्ट में सुनाएंगे ना आपको। अच्छा अच्छा जी, ये इतनी सी है, मतलब क्या हुआ ना, ट्विटर मतलब सब सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करती है ये। अच्छा। इन्होंने बताया कि सोनू सर सबको गाँव पहुँचा रहे हैं, फुल कॉन्फिडेंस में थी, पप्पा हमको भी सोनू सर गाँव पहुँचाएंगे ही। फिर मैंने इनके अकाउंट से सर को मैसेज किया, फिर विद इन वन डे विशाल सर का कॉल आ गया, फिर सर ने बताया कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, फिर हम बैठे बस में पहुँच गए, फिर तभी भी सर का बार बार कॉल आ रहा था कि पहुंचे कि नहीं, बैठे कि नहीं, सीट मिली कि नहीं। बहुत अच्छे से हमको ट्रीट किया सर ने, और थैंक यू सर बहुत सारी चॉकलेट्स और फ्रूट्स के लिए।
तो आप मुंबई से जौनपुर गए थे आप? यस सर, हम लोग कल्याण से जौनपुर गए थे। कल्याण से, ओके। तो आपकी पूरी फैमिली थी यहाँ पे मुंबई में? हाँ हाँ सर, मेरे मॉम डैड और मेरी सिस्टर और ब्रदर है छोटा, हम लोग 7 लोग थे पूरे। सारी फैमिली तो यहाँ पे, जौनपुर क्या करने गए थे? सारी गाँव है ना। अच्छा, नहीं ये तो है, जब ऐसा कोई कभी कभी कोई समय होता है तो उस समय आप अपने गांव को, अपने घर को, पैतृक गांव को जो बड़ा मिस करते हो, पर अभी आप खुश हैं? बहुत खुश है सर। इवन हम नहीं, पूरे बस में जितने लोग थे ना, सबको मतलब फोन आ रहा था, सब जन हाँ सोनू सर ने पहुंचा दिया। बहुत अच्छा, मतलब जो भी था सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर खाने पीने के लेकर कुछ भी कमी नहीं हुई, बहुत अच्छे से पहुँचाया। सर मैंने सर के लिए पोयम लिखी है, मैं गा के सुनाऊं? हाँ हाँ प्लीज प्लीज। सोनू सर और विशाल, विशाल लांबा, आपको सबसे पहले खड़ी खांबा। तारीख थी वो 4 जुलाई 2020, आपने पूरी कर दी हमारी गांव आने की विश। आप हो देवता भगवान, आपको हमारा बारंबार प्रणाम। प्रमाण नहीं देना पड़ता इनकी महानता का, इन्होंने हमें गिफ्ट दिया है जैसे कोई शांता का। ना देखी कोई जाति, ना देखा कोई धर्म, बस ये करते गए महान कर्म। और आपको सर बहुत बहुत सारा लव यू सर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। लव यू टू, लव यू टू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। शुक्रिया, आप बहुत प्यारी दोनों और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं आप, और अपने पिताजी को और घर में सबको हमारी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। यस सर, सर आपको हमने बहुत मिस किया, कपिल सर आपको बहुत मिस किया हमने। अच्छा जी, शुक्रिया, पर अब हम आ गया तो बस मजा आ गया। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और बस ये शो देखते रहिए और खुश रहिए, और बस बाकी सब ठीक है, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और भी हैं हमारे साथ इस समय ऑनलाइन बहुत सारे मेहमान जी। हेलो सर, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, हम भी बढ़िया। कोमल, कोमल आपके साथ कौन कौन है, आप इनका परिचय करवाएंगी प्लीज? सर ये मेरे साथ मेरी दादी माँ है। नमस्कार दादी जी। और ये मेरी जुड़वा बहन काजल है। जुड़वा बहन, जुड़वा बहन काजल। काजल बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें काजल। काजल तो कोमल आप दिल्ली से बिहार अपने घर गई? यस सर। आप अकेली थी कि आपके साथ आपकी दादी जी और बहन भी थी? सर मेरे साथ मेरी दादी माँ थी। सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री से। वाओ, तो मैं वहीं पे पढ़ाई कर रही थी, तो मेरी दादी माँ का मोतियाबिंद का आंखों का ऑपरेशन होना था। अच्छा जी। तो पहला लॉकडाउन जो 22 तारीख को लगा, उससे 15 दिन पहले मेरी दादी माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा जी। फिर लॉकडाउन के बाद पढ़ाई भी बंद हो गई, सब चीज बंद हो गया, और तो हमें घर आना था, और घर आने का कोई सोर्स नहीं था, किराया 2 गुना 3 गुना लग रहा था बस का, ट्रेन की कन्फर्म टिकट 2 महीने तक की नहीं थी। तो मैंने किया, हमें मतलब कुछ भी ऑप्शन नहीं पा रहा था कि हम कैसे घर जाए। फिर मैंने सोशल साइट्स पर देखा कि सोनू सर सबकी बहुत हेल्प कर रहे थे, हमें शायद हमारी भी कर दे। फिर मैंने रात को एक दिन ट्वीट कर दिया 17 तारीख को कि सर हमें हेल्प की जरूरत है, मेरी दादी माँ है, हमें घर जाना है जी। मैं स्टूडेंट हूँ, फिर मैंने सोचा ट्वीट तो कर दिया, पर पता नहीं बड़े आदमी है इतने लोग ट्वीट करते, मैं ट्वीट देखेंगे या नहीं। फिर सुबह जब उठ देखती हूँ सर का ट्वीट आया है कि अपनी डिटेल्स भेजिए, फिर हमारी टीम से आपको मतलब कॉन्टेक्ट करेंगे। फिर थोड़ी 2 घंटे के अंदर मेरी टिकट भी कंफर्म हो गई, और फिर सर ने ट्वीट किया कि अपनी दादी माँ से कहिए कि हम घर जा रहे हैं, अपनी बैग पैक करो। तो स्वीट। तो आपकी फिर सोनू जी से डायरेक्ट बात हुई थी फोन पे या नहीं? सर इनसे ट्वीट पे बात हुई थी, डायरेक्ट इनके टीम मेंबर ने बात की थी। तो अभी सोनू जी यहाँ पे खड़े हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे? हाँ सर, पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, कैसे क्या बोलूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और कपिल सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपके थ्रू हम सर को थैंक यू बोल पा रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया कोमल। सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वैसी सिचुएशन में हमारी हेल्प की, जब मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी आज दादी जी को साथ में देख के, मुझे याद है मैंने वो फोटोग्राफ देखी थी जो आपने मुझे भेजी थी दादी जी के साथ, पर आज अच्छा लग रहा है कि आप अपने घर में हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं, और दादी जी के चेहरे पर जो खुशी है उसको देखकर हमारे चेहरे पर भी खुशी आ गई है कि दादी जी एकदम खुश हैं, आप सब परिवार अपने घर पर हैं। वेल डन, थैंक यू कोमल, आपकी दादी जी बहुत क्यूट हैं। थैंक यू सर। दोनों बहनें, दादी के दोनों तरफ एक एक पप्पी दे दो, बस मजा आ जाए।
थैंक यू कोमल, थैंक यू काजल, थैंक यू दादी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ और मेहमान है। हेलो, हाय सर, मेरा नाम अमृत है। नमस्कार जी, अमृत आपकी मम्मी है साथ में? हाँ जी सर, ये मेरी मम्मी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो अमृत आपकी क्या स्टोरी है? सर मैं इंडियन नेशनल कराटे टीम की तरफ से खेलती हूँ। ओह वाओ, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 3 times साउथ एशियन। क्या बात है, आपके लिए पहले तो तालियां। बहुत बहुत गर्व होता है हमें जब हमारे देश की बेटियां जो हैं वो ऐसी ऐसे मुकाम हासिल करती हैं। सर हमारा जनवरी में एक मैच था प्रेसिडेंट कप गोवा में, तो वहाँ मैच के दौरान मेरी नी इंजरी हो गई जो कि ACL टियर था, खेलते खेलते अच्छा सडनली हो गई। तो सर उसके बाद इसका ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी जगह ट्राई किया, 5-6 महीने हम ट्राई करते रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और काफ़ी जगह, हर जगह, पर कोविड के कारण हो नहीं पा रहा था। फिर मेरे एक अनिकेत भैया है, उन्होंने बोला कि हम एक फंडरेजर चालू करते हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हम ऑपरेशन करवा देंगे क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है इसकी सर्जरी जी। वहाँ से भी इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो मेरे एक ब्रदर है अनमोल सिंह, सोनू सर का हमें पता था कि सर इतना माइग्रेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक होप आई कि हमने सोचा कि शायद हमें रिस्पॉन्स आ जाए, कुछ हम ट्राई करते हैं। तो उन्होंने सोनू सर को टैग किया ट्विटर पर और प्रॉब्लम बताई और सर की टीम से 15 मिनट में हमें कुछ रिस्पांस आ गया था और सर ने भी थोड़ी देर में हमें रिस्पांस कर दिया कि पूरा जो सर्जरी का एक्सपेंडिचर है सब कुछ सर की तरफ से किया जाएगा। और विद इन अ वीक सर मेरा पूरा जो नी का ऑपरेशन है यथार्थ हॉस्पिटल में डॉक्टर अमित और डॉक्टर अंकुर की ने किया बहुत अच्छे से। और मैं बताना चाहूँगी सर कि मेरे ऑपरेशन से पहले मेरी सोनू सर से बात हुई और ऑपरेशन से लेकर ऑपरेशन के एंड तक सोनू सर, गोविंद भैया, मनीष भैया सब ने इतनी केयर की है, एक बार भी इतना कनेक्शन रहा है सर का कि एक बार भी ऐसा नहीं लगा होगा कि सर मुंबई में बैठ के ऑपरेशन करवा रहे हैं, मतलब इतना क्लोज कनेक्शन में रह के सर ने एकदम डॉक्टर से हर जगह से कनेक्ट रह के पूरा मेरी सर्जरी करवाई है और उसके लिए सर मैं इतनी थैंकफुल हूँ, इतना ग्रेटफुल हूँ, मैं विद वर्ड्स आई कांट टेल यू हाउ मच ब्लेस्ड आई एम फीलिंग। पर सर विद एक मेडल, नेक्स्ट ईयर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, डेफिनेटली आई विल विन मेडल देयर एंड आई विल मेक यू प्राउड अगेन सर। बहुत अच्छा अमृत, हमें ऑलरेडी आप पे बहुत गर्व है और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप बिल्कुल जल्दी जल्दी फिट होके और दोबारा से हमारे देश को रिप्रेजेंट करें और यस वी नीड ओनली गोल्ड, वी आर ग्रीडी, गॉड ब्लेस यू अमृत और आपकी मम्मी जी को भी हमारा प्रणाम, थैंक यू सो मच हमारे साथ अपने किस्से शेयर करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। ओ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे सर आपको तो बहुत देखा हमने फिल्मों में, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, मजे। अरे मुझे लगा ही नहीं सुरेंद्र जी बैठे, मुझे लगा जॉन बैठा हुआ है वो हैट वैट पहन के, आप बड़े कमाल के लग रहे हैं सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं दोस्त, बिल्कुल ठीक। और ये यहाँ पर एक फार्म हाउस में रह रहा हूँ मैं। अच्छा जी, मजे आ रहे हैं। कहाँ पे अभी सुरेंद्र जी, आप कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में पन्ना डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हीरे बहुत निकलते हैं। अच्छा जी, तो एक आध निकाल के भेजो हमें भी। अरे अभी आज निकला है बहुत बड़ा हीरा, हीरा और एक हीरा तो आपके सामने बैठा हुआ है। क्या बात है। तो आपका क्या किस्सा था सुरेंद्र जी, आप ये कब की बात है जब आप गए मध्य प्रदेश वापस और कहाँ फंसे हुए थे आप? अरे ये तो मेरा तो बहुत मामूली सा है, जो इन्होंने चमत्कार किए वो तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये बिल्कुल हुआ ये था कि 2 महीने में हालत ख़राब हो गई, मैं एक जगह रुकने वाला ठहरने वाला आदमी नहीं और एक कमरे में छोटी सी जगह में बंद और बाहर निकलना की परमिशन नहीं थी। अच्छा जी, तो मनोवैज्ञानिक असर बहुत ज़बरदस्त पड़ता है इन सब चीज़ों जी। हाँ। बिल्कुल। तो मैं किसी से बातचीत हो रही थी तो लोग आप पूछते थे फ़ोन करके कैसे हैं क्या है, जैसा अमूमन होता है। तो मैंने अपनी समस्या बता दी कि भाई मैं कहीं निकल जा नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पे हुआ कि सोनू सूद के पास ये बात कैसे पहुँची
और उससे भी बड़ी बात ये है कि इन्होंने मेरा फ़ोन नंबर कहीं से पता करके और मुझे फ़ोन करके पूछा कि कैसे हैं आप, क्या परेशानी है, हम आपको फ्लाइट से भिजवा दें कि ट्रेन से भिजवा दें, कैसे भिजवा दें। और मैं इतना खुश हो गया, वैसे जब सामने साथ में काम किया था एक फिल्म में तब तो बहुत छोटा सा था हमारा, इनके साथ जो डायलॉग्स वगैरह थे बहुत थोड़े से थे जी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा रियल लाइफ में ये एक बिल्कुल जैसे बैट्समैन होता है, जैसे सुपरमैन होता है, उस तरह से आकर के लोगों को खाना बांट रहे हैं, लोगों को ये जो जज्बा है ये सबके पास नहीं होता है। हाँ। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी तो परेशान थे ना, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम लगता है कोई और करेगा। हाँ। राइट, इन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई और करेगा, उन्होंने कहा हम खुद करेंगे। सोनू सूद मुझसे हो सकता है उम्र में बहुत कम हो, आधी से भी कम होंगे, लेकिन मेरी नजर में इनकी इज्जत मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़े हैं ये, और बहुत सारे लोगों से बहुत बड़े। थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया सर जी, आप लोग का मेहरबानी से। सबसे पहले तो आप प्लीज अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम शाहिदुल इस्लाम बड़भैया। शाहिदुल कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आसाम से बोल रहा हूँ। आसाम से, अरे वाह, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। सर जी, हम पुणे में था। अच्छा, हम लोग होटल और कैंटीन में काम करता था। अच्छा, लगभग 2 महीना हम लोग रूम पे बैठ के खा रहा था, और फिर ऐसा सुना हम लोग का 3 तारीख का जून का श्रमिक ट्रेन है, तो मुंबई को हम लोग 1 तारीख निकला, एक रात गुजर गया उधर ब्रिज का नीचे, उधर कोई जगह नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर हम लोग दूसरे सुनो सार जी को हमने फोन लगाया, कॉन्टेक्ट निकाल के। अच्छा, और सार जी के साथ बात किया। बात करने के बाद सार जी ने बोला, बेटा आप घबराओ मत, हम तुम्हारा साथ है, और बोला आप लोग को ना ट्रेन से भेजूंगा ना गाड़ी से भेजूंगा, आप लोग को डायरेक्ट फ्लाइट से भेजूंगा। फिर हम लोग को सुनने का बाद सर हम लोग बहुत खुश हो गया, और उसके बाद सुनो सार जी ने हम लोग के लिए खाना भेजा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना भेजा, ऐसा खाना इतना लोगों ने कभी खाया भी नहीं रहेगा, इतना खाना भेजा। स्वीट यार, हम लोग के लिए खाना भेजा, हम लोग ने खाना खाया, फिर हम लोग के लिए गाड़ी आया, बहुत अच्छा रूम मिला, जगह मिला हम लोग को, बहुत अच्छा से हम लोग को सुनो सार जी ने हम लोग को उधर रखा। रखने के बाद हर रोज सार जी ने फोन करके पूछता था कैसा है, तबियत पानी क्या है, क्या हाल है, तो ऐसा हम लोग को ऐसा लगता था, ऐसा हम लोग के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है सुनो सर, कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ में भी नहीं आता है सार जी के लिए कैसे खुश करना है, क्या करना है, इतना खुश हो गया सर जी। आज तक भी हम लोग सुनो सर जी के बारे में हम लोग सब बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग गाँव का है ना, तो आज सबको अब देखने को मिलता था। बिल्कुल, आप शाहिदुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब ऐसे मुसीबत के समय में कोई आपके काम आता है तो वो दिल पे लिखी जाती है चीज़। और ये पाजी ता उम्र, ईश्वर ना करे कभी हमारे कभी देश में कभी दोबारा ऐसी आपदा आए, पर हाँ जो लोग अभी अपने घर पहुँचे हैं आप लोगों के एफर्ट से, वो सारी उम्र आपका एफर्ट है, ये याद रखेंगे और दिल से दुआएं निकलती रहेंगी सबके लिए। शाहिदुल थैंक यू सो मच हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप सोनू पाजी को? हाँ जी, सुनो सर आई लव यू, बहुत बहुत प्यार करता है आपसे हम लोग, और इतना इतना कुछ हम लोग के लिए क्या सर जी, आप इतना कोरोना का समय आपका साथ मिलने के लिए भी नहीं होता है, तो हम लोग दुआ करूंगा कभी आपका साथ आके मिलने के लिए। अच्छा। आगे मुंबई आने वाला नहीं था, लेकिन आपका प्यार देख के सोच रहा हूँ और एक बार जाओ। शहीदुल आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप वहाँ पे खुश रहें, जैसे ही थोड़ा सा समय होगा हम आपको मुंबई बुलाएंगे, हम आपके साथ वापस मिलेंगे और साथ में बैठ के खाना खाएंगे। थैंक यू शाहिदुल, थैंक यू, लव यू टू। हेलो, थैंक यू कॉफी सर। और मेरी तारीफ होने लगी, बंद कर दिया, बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। आइए बाजी। अच्छा अर्चना जी, जो लोग हिंदुस्तान में अपनी कंट्री में जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना चाहते हैं वो तो इन्होंने घर भेजे ही हैं, लेकिन एक और मैं आपके साथ न्यूज शेयर करने जाता हूँ कि अब इनका काम इंटरनेशनल हो गया है। एयरलिफ्ट फिल्म में जैसे हम सब ने देखा था कि कैसे अक्षय पाजी जाके दूसरे कंट्री से अपने लोगों को फ्लाइट में लेके आते हैं, तो हमने अभी मैंने सोशल मीडिया पर कल देख रहा था किर्गिस्तान के कौन सी कंट्री पाजी? जी भाई किर्गिस्तान। वो क्या स्टोरी पाजी, वो प्लीज बताइए भाई। उसके अंदर काफी टाइम से 2.5-3 महीने से एक बहुत
प्रॉब्लम चल रहा था कि किर्गिस्तान में 4000 स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के, तो काफ़ी अटैक कर रहे थे कि यू नो हम लोग फंस गए हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कोरोना की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, तो इलाज नहीं हो रहा था, उतनी सहूलतें नहीं थी वहाँ पे, तो बहुत लोग कर रहे थे कोशिश और मुझे भी टैग आया, तो उस समय बहुत ज़्यादा जो लोकल हमारे माइग्रेंट्स थे उसमें बिजी था, तो मुझे लगा किर्गिस्तान से इन लोगों को कैसे लेके आ जाए। फिर जब एक दो पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आप हमारे बच्चों को कैसे भी लेके आए प्लीज़, तो मैंने थोड़ा स्टडी किया उसको पूरा सिस्टम, और वहाँ से परमिशंस ली किर्गिस्तान एम्बेसी से, जो वहाँ के एम्बेसडर्स हैं उनसे, यहाँ एमई से, सब जो पूरा एक पूरा हमने चार्ट बनाया। अच्छा, और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कम ऑलमोस्ट 2200 स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले लॉट के अंदर, और 1800 स्टूडेंट सेकेंड लॉट में, जो 4000 स्टूडेंट्स हैं वो हिंदुस्तान में वापस आ चुके हैं। जस्ट टू एड, मैं मोगा से बिलोंग करता हूँ, एक शहर है, और मेरे मदर प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे एक, जब मैं मुंबई आ रहा था तो उन्होंने एक चीज़ मुझसे ज़रूर कही थी कि सोनू तेरी कामयाबी तब है जब तू किसी उस आदमी का हाथ थाम सके जो तेरे से वो मदद की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। जो कोई मदद मांग के तेरी किसी का हाथ थामेगा वो मदद नहीं है, अगर वो नहीं मांग रहा और उसको नहीं पता कि तू आएगा, अगर तू वो उसका हाथ थामेगा तो वो तेरी उस दिन तू सफल होगा। मुझे लगता है कि ये पूरा जो दौर था वो इसलिए हो पाया क्योंकि यू नो आई थिंक कहीं उनकी दुआएं थी जो यू नो कर पाई। अच्छा पाजी के बारे में मैंने सुना है कि ये ना अपना आइडियल मानते थे सिल्वेस्टर स्टैलोन को, तो पाजी आप खुद इतने फिट हैं, आपका बेटा जो मैंने देखा आप उसको भी एक्सरसाइज करवाते रहते हो, तो वो आपको अपना आइडियल मानता है कि उसने भी कोई अपना सिल्वेस्टर स्टैलोन बना के रखा है कोई? पाजी वो तो ठीक है, पर एक छोटा सा सवाल ये है जी कि मुझे इतनी खुशी हो रही है आपने सवाल पूछा क्योंकि आपने दो बार जी जो सिल्वेस्टर स्टैलोन एकदम सही बोला है पाजी, पहली दफा। ये कैसे हुआ पाजी? तो आपको क्या लगता है 3 महीने लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा था? मैंने ये नाम याद किया है मैंने। फिर भी ना ये ना सिल्वेस्टर नहीं बोल सकता, ये ना पंजाबी के तो सिल्वेस्टर सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं है। सिल्वेस्टर स्टैलोन फिर भी इजी है, अर्जुन पूरन सिंह बड़ा मुश्किल है। आपको पता है मोगा में ना सोनू पाजी के पापा की शॉप थी, अभी भी है शॉप? अभी भी है भाई। अच्छा, तो वो शॉप का नाम मैं आपको पहले फोटो दिखाता हूँ, बॉम्बे क्लोथ हाउस भाई, मोगा पंजाब में है ये जी। तो मैं ये पूछना चाहूँ एक बॉम्बे क्लोथ हाउस उन्होंने नाम क्यों रखा? बॉम्बे क्लोथ हाउस क्यों और रखा? आप मुंबई अपनी मर्जी से आए कि पापा को कोई सपना पूरा करने आए थे आप? जी भाई मेरी शॉप, मैंने तब सोचा नहीं था कभी एक्टर बनने का। अच्छा, तो जो शॉप थी पहले से बॉम्बे डाइंग एक ब्रांड हुआ करता था, तो हमारे पास उनकी एजेंसी थी इसलिए उसका नाम बॉम्बे क्लॉथ हाउस था। अच्छा। और आज भी है, डैड नहीं रहे पर जितने स्टाफ है उनको मैंने दे के रखा हुआ है कि आप ये समझो आपकी शॉप है, आप ऐसे ही चलाते रहो जैसे चलती है, मुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन आप ये जो यादें हैं पापा की वो ऐसी चलती रहनी चाहिए, तो आज भी है शॉप में, महाराज भी चलती है। अच्छा, आपने तो इतने सारे लोगों को घर पहुंचाया, उनकी सब स्टोरीज हम लोग सुन ही रहे हैं, एक आपसे जुड़ी एक फोटो है, मैं उसके पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ, दिखाइए जरा ये देखिए, ये ऊपर एक तो MST बोलते हैं इसको, मुझे इसलिए पता क्योंकि मैंने भी बनवाया हुआ था जी, मंथली सीजनेबल टिकट, और ये कब की है पाजी? ये मुंबई आप आ चुके थे जी भाई? ये 1997 मैं पहली दफा मुंबई आया था। अच्छा, उस समय मैं अपनी पढ़ाई खत्म की थी तो मैं देखने आया था कि मुंबई में होता क्या, तो मैंने सबसे पहले एक ट्रेन का पास बनाया था जो बोरीवली से चर्च गेट का था। अच्छा, वो 420 रुपए का पास था फर्स्ट क्लास का, कि बोले कि फर्स्ट क्लास में रश कम होता है तो आप बना लो। 420 जो नॉर्मल क्लास का था वो बनता था 113 रुपए का पास बनता था, और 420 का मेरे लिए बड़ी बात थी कि मैंने बनाया पास उस समय। और ये ट्रेन के पास से मैं बोरीवली से लेके चर्च गेट तक सुबह से लेके शाम तक भाई 5 बजे तक मैं जितने ऑफिसर्स होते थे एवरेस्ट बिल्डिंग फेमस में यहाँ पे जहाँ जहाँ होते थे सब ऑफिस में फोटोग्राफ्स बांटता था, और जब 5:30-6 बजने वाले होते थे जब पीक ट्रेन का शुरू होता था फिर चर्च गेट से वापस ट्रेन पकड़ता था अंधेरी की वहाँ पे आता था। तो ये एक वो पास है वो आज भी मेरे पास संभाल के रखा हुआ है, एंड इवन दीज आर द मेमोरीज। पाजी आपको पता है कि फिल्म स्टार जो होते हैं उनकी अफवाहें उड़ती रहती हैं, और आप अब एक फिल्म स्टार ही नहीं रहे, आप मतलब आप समझ रहे हो ना, आप स्टार से भी ऊपर हो। सो ये कुछ अफवाहें हैं जी। पहली अफवाह है कि लॉकडाउन के दौरान घर पे ना जो आदमी लोग हैं उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो उनको कभी करने भी नहीं आते थे, तो आपके बारे में ये अफवाह है
कि आपसे भी वो काम करवाए जाने की साजिश हो रही थी, इस चक्कर में आप बाहर निकले और आपने चार लोगों को घर छोड़ा, उसके बाद ये कारवां बन गया। तो इज इट ट्रू पाजी? पाजी मैं कहता हूँ कि यही सच हो। अच्छा, मेरे को एक्चुअली घर के काम करने का शौक है, जरूरत नहीं पड़ती, मुझे अच्छा लगता है, यू नो, मैं अगर कभी इंडल्ज करूं। लेकिन भाजी सच्ची बात ये है कि मेरी बड़ी इच्छा है, जब लॉकडाउन अचानक आए तो पता नहीं था कि क्या करना है ना, सब लोग नए नए, आज मैं केक बनाऊंगा, आज ये बनाऊंगा, ऐसे नई नई चीजें थी, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो मुझे भी लगा मैं भी कुछ आज कुछ केक बनाने की सीखता हूँ, आज ये भी करता हूँ। वो एक आध दिन ऐसा लगा, पर मुझे लगा कि ये दुनिया यार मेरी नहीं है, ये दुनिया मेरी नहीं है, मेरी मेरे को कुछ और करना है लाइफ के अंदर, कुछ और भगवान कुछ ऐसा रास्ता दिखा कि हम लोग कुछ कर पाए। और बोलते ना जैसे कुछ शायद ऊपर वाले ने आवाज सुन ली हो मेरी और मुझे रास्ता दिखा जिसके कारण घर से बाहर निकले और सब कुछ हो गया ठीक ठाक। एक अफवाह ये कि आपने इतने लोगों को घर छोड़ा है कि एक तो ऐसा भी हुआ कि दो आदमी वैसे ही दही लेने जा रहे थे, उनको पकड़ के आप आजमगढ़ छोड़ा है। तो ये अफवाह सही है भाजी? भाई मुझे मुझे मैं होपफुली सही ना हो, पता लगा आजमगढ़ के मुझे दही वाले ने पकड़ लिया, बेटा तू किधर, हम तो आ ही नहीं रहे थे, तू क्या है। तो पर ऐसा भाई ऐसा होता था, हम लोग ने कई बार जब जाते थे तो हम तो जानते नहीं मैम किसी को, आज अगर हम बसेस से 1000 लोगों को भेज रहे हैं तो वहाँ पे 3000 लोग खड़े होते, हम तो एक भी बंदे को नहीं जानते भी कौन है किसको भेज रहे, हम तो हमारे 1000 कौन से है, तो हर बंदा अलग ही बंदे भाई बसों में चढ़ गए, जो हमारे वाले बंदे 12000 भाई हमने जाना था भाई अंदर कौन है, तो कहते पता नहीं, और फिर उनको बाहर उतारते भैया तुम आ जाओ इनका नंबर है, तो वो अच्छा जो मैं अंदर बैठ गया है वो बाहर निकलने को रेडी, भाई मेरे को जाने दो मेरा बच्चा है, फिर और एक दुख, फिर उनको बेचारों को बोला तुम रुको, इनको 1000 को जाने दो तुम्हारे लिए अलग काम करते, वहीं से फिर भागे परमिशन के लिए, फिर बस ऐसा भी काम होता था। एक अफवाह ये कि नागराज की जो बचपन में कॉमिक्स आती थी जी, उसमें नागराज जो है वो आप ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिक्स पैक वाला नागराज था। नहीं मैं भी सही है, एक्चुअली मैं मेरी फर्स्ट जो अगर आप देखेंगे बड़ी एम्बेरसिंग सा मोमेंट था कि मैंने दिल्ली में जब शुरू किया अपना करियर तो मुझे पहला नागराज का कॉमिक्स का एक मिला, और वैसे ही मुझे जो नागराज की ग्रीन वाली यूनिफॉर्म कॉस्ट्यूम बना के वहाँ पे दिल्ली में शूट करने गया, छोटा सा यूनिट था 20 जनों का, मैं एकदम नागराज से आंख निकल, मुंह से आग निकल रही है, नागराज उड़ रहा है इधर से उधर स्टेप कर रहा है, और फिर उसके बाद वो कॉमिक्स में मेरी फोटोग्राफ भी आई, और उस समय मेरा थोड़ा सा नाम दिल्ली में ऐसे मॉडल हो गया था काफी। अच्छा। तो मैं ऐसे घूम रहा था लाजपत नगर में तो कॉमिक्स के अंदर ऊपर मेरी फोटो लगी हुई, मैंने बोला यार नागराज की, तो मैंने देखी तो थोड़ी सी पहले शर्म सी आई, यार ऐसा थोड़ा हूँ मैं, तो फिर मेरी यू नो वाइफ थी सिस्टर थी, मैं कहती ले 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 यू नो मेमोरी के लिए बड़ी अच्छी चीज है, यू नो जब बड़ा बन जाएगा तो देखेगा, मैं कह इसको तो कभी नहीं लूंगा मैंने, और मैंने रख दिया, लिया नहीं, आज रिग्रेट होता है मुझे कि यार मैंने ले लिया, पर नागराज था भाई। सोचो बच्चे बड़े हो गए, पापा ये मुंह से आग कौन निकाल, कैसे निकाल रहे हो आप। एक अफवाह ये कि दबंग का फेमस डायलॉग हम तुम में इतने छेद करेंगे आपने लिखा है जी, हैं उसके अंदर मुझे याद है कि हम लोग फिल्मालय में शूट कर रहे थे और पहला दिन था शूट करने का मुन्नी बदनाम के गाने के बाद, और मैं और अभिनव बहुत क्लोज दोस्त रहे हैं युवा के टाइम पे, वो असिस्ट करते थे, तो मुझे डायलॉग्स लिखने का शौक है, मेरी आदत है, बड़े जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया उनको पता है कि मैं लिखता हूँ, और मैं लेकिन कभी बताता नहीं कि यार अच्छा लाइन है देखना जरा कैसा है लाइन है ऐसा टाइप सा, तो अभिनव के साथ दोस्ती तो हम लोग खूब एक्सप्लोर करते रहते थे, तब हमने वो फर्स्ट डायलॉग जो था कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे वो मैंने एक आइडिया दिया था, और फिर मैंने और अभिनव ने उसको मोल्ड करके वो लिया था, और जब बना था तो आई रिमेम्बर सलमान भाई थे, हमने बोला कि यार तुम्हारे डायलॉग बड़ा कमाल है लेकिन भूलना मत लिखा किसने था ये वाला, और यू नो आई रिमेम्बर कि हम वाई में शूट कर रहे थे सलमान भाई और मैं, हम लोग जा भी रहे थे गाड़ी में, तो सलमान भाई पूछते कि यार सोनू तू लंबा बड़ा है तू कंफर्टेबल तो है ना, तो मैंने बोला कि क्या है ना सलमान भाई कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया, तो कहते यार बड़ा कमाल डायलॉग है, अगले दिन हमने वो शूट किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया, तो भाई ऐसे बन जाते। सोनू जी आए हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा था आप तो आए हैं। बिल्कुल। अरे वाह यार आज तो हम धन्य हो गए यार, लेकिन सर सच में अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको नमस्ते करें प्रणाम करें या ट्वीट ही कर दें। यार अर्चना जी क्या कमाल का काम किया है सर आपने, जोरदार तालियां जोरदार तालियां।
एक बार जोरदार ताली कप्पू शर्मा के लिए भी। मेरे लिए क्यों? अरे जो इंसान सबको घर पहुंचा रहा है उसको आप अपने घर ले आए, बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। वैसे कप्पू शर्मा आपको पता है इस साल बारिश जो मुंबई में जो है वो देरी से क्यों आई है? क्यों? क्योंकि मुंबई के काले बादल इस बार उतने नहीं छाए जितना सोनू सूद छाए हुए हैं। सोनू सर, ये बैक टू बैक जो हमने आपका तारीफ किया है ना, हमसे खुश होके कहीं हमें अपने घर मत भेज देना, क्योंकि आपको जाना ही नहीं है। अगर बाय चांस भेजना है तो जरा बैंकॉक भेजिएगा, काफी थकान हो गया है यार लॉकडाउन में। लेकिन सच बताए सर, आपसे मिलके आज हम गदगद हो गए। चल झूठा, तू बचपन से गदगदा है। गदगदा नहीं मतलब तो बरगदा हो गया तू अब तो इसमें बुरा बात क्या है? बरगद जो है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, सर जो है लोगों को अपने घर छोड़ते हैं, अर्चना जी लंबी लंबी छोड़ते हैं, और क्या है छोड़ने का जज्बा होना चाहिए सर, है कि नहीं? है कि नहीं? हम तो सोच रहे हैं सर अब हम भी छोड़ना शुरू करेंगे। हट उधर जाके, इधर नहीं, ये नहीं कि ऑडियंस नहीं है तो मार दो अपने जजेस को, इधर कुछ नहीं छोड़ना है। वो छोड़ने का बात नहीं कर रहे यार, वो तो आए थे तभी छोड़ दिया था, वो वो रहने दो। हम तो समोसा और कचोरी छोड़ने का बात कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि हमारा पेट थोड़ा सा अब निकल रहा है। थोड़ा सा नहीं मतलब थोड़ा सा, तेरी नाभि वहां गिरी हुई है, वॉल्व खुल गया आगे, ज्यादा है बच्चा, जा जा बस कर, जा जा। नहीं नहीं हम क्यों बस करें यार, हम तो ट्वीट करेंगे और हमारा ट्वीट देख के ये हमारे लिए बस करेंगे। वैसे सर आपसे एक सवाल था, आपका हवाई जहाज भी उड़ा लेते हैं? क्योंकि काफी लोगों का आपने हवाई जहाज से उनके घर पे छोड़ा है। हाँ। अभी इन्होंने नहीं, पायलट ने छोड़ा है, पायलट नहीं, नहीं पायलट ने तो पार्टी छोड़ा है। क्या बात है, क्या बात है यार कप्पू शर्मा, आपका इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गड़बड़ चल रहा है काफी, कुछ पता ही नहीं है। अरे डी ग्रेड दिमाग से ए ग्रेड बात कैसे आई यार। लेकिन सर हम बताएं, आपकी फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, हमको बड़ा मजा आया। उनकी कौन सी फिल्म आ रही है? नहीं आ नहीं रही है, हम बनाएंगे। हाँ। हमारा प्लानिंग है सर, हम आपके लिए ना आपका बायोपिक बना रहे हैं। क्या बात है। फिल्म का नाम हमने रखा है सोनू के सोनी का ट्वीटू। सोनू के सोनी का ट्वीटू। सोनू बाजी के बायोपिक में सोनी कहां से आ गया? मतलब कप्पू शर्मा, जीवन में जब तकलीफ आती है ना, मुसीबत आती है, तो दो ही लोग काम आते हैं, सोनू और सोनी। सोनी साहब है कि नहीं? उस बायोपिक में बस का रोल ये कर रहे हैं। हम ही लेकर जाएंगे सभी को। लेकिन ये जो सोनी साहब, अगर हमारा चापलूसी अच्छा लगा हो तो ये पिछले 4 महीने में जो रिपीट टेलीकास्ट हुआ है ना, उसका भी पेमेंट करा दीजिए प्लीज। क्योंकि सर बिजली का बिल भरना है, बहुत ज्यादा आया है बिजली का बिल, भरा ही नहीं जा रहा। बच्चा कहानी तो सुना फिर, क्या फिल्म का कहानी सुनाते हैं आपको। अब सर आप जो है वो लोगों को अपने गांव में वापस पहुंचा रहे हैं, तो आप गांव में अपने लोगों को लेकर पहुंचते हैं, तभी गांव वाले अपने गांव वालों को देख के दौड़ते हुए उनकी तरफ आते हैं, आप कहते रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग ब्रो। अच्छा डिस्टेंस तो मेंटेन करना है ना, ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। नहीं, नहीं, कभी नहीं। लेकिन वहां का जो सरपंच है ना सर, गांव का, आपका बहुत बड़ा फैन है। हाँ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आपसे हाथ मिलाता है। हाथ मिला लिया? मिला लिया उसने हाथ। फिर अच्छा। फिर क्या, सरपंच ने हाथ धोया फिर। अच्छा तो फिर उसके बाद? फिर सोनू सर ने हाथ धोया फिर। उसके बाद फिर? फिर गांव वालों ने हाथ धोया फिर। फिर सोनू सर के साथ जितने लोग आए हैं उन्होंने हाथ धोया, फिर सोनू सर ने पूरे गांव के साथ मिलके हाथ धोया। अबे कितने हाथ धो रहा है तू? हाथ धोना जरूरी है सर, रोकिए मत। देखिए बीमारी है तब तक हाथ धोइए, बीमारी चली जाए उसके बाद भी हाथ धोइए। और ये ज्ञान का बात सर हम बार बार बता नहीं पाएंगे, आप जरा समझिए, सोनी का इतना बड़ा जो शो है ना, हर सेकंड का पैसा लगता है। और सोनी क्या है, इतने सारे घरों में आता है, सोचिए कितना बड़ा बिल आएगा सोनी का। अबे सोनी चैनल जितने घरों में चलेगा उनका तो उतना ही फायदा है ना। उनका फायदा है? हाँ। तो हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करते हैं फायदा? बहुत जरूरी है। ओ कोई नहीं, कर लेंगे। तू कहानी सुना ना आगे। क्या कहानी? कहानी सर, तो अब क्या हुआ है, गांव वालों को लेके आप पहुंच गए हैं, अब उनकी जो बीवियां हैं सारी गांव वालों की, वो आती हैं अपने पति को पहचान ही नहीं पाती। क्यों? मास्क लगा है। तो मास्क उतरवा दो ना फिर। अरे
₹500 का फाइन है सर, मार्क्स उतार दिया तो कौन भरेगा इतना फाइन? इधर हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, इतना फाइन कौन भरेगा? नहीं नहीं भाई, तो रोमांस वगैरह कुछ नहीं फिल्म में? हाँ, बॉडी देखिए सर, हीरोइन आए पिक्चर में यार, इतना फिजिक वाला आदमी हीरोइन रखे हैं हम सर, डोंट वरी, बहुत जरूरी है, डोंट वरी सर। फिर तब क्या होता है, हीरोइन इनको मिलती है, प्यार हो जाता है। सोनू सर रोज सुबह हीरोइन का नाम अपने हाथों पे लिखते हैं, शाम को जब उसको हाथ दिखाते हैं नाम गायब। क्यों? धो लिया ना। तो मत धुलवाना हाथ उनका। ऐसे नहीं कप्पू शर्मा यार, हम चाहे जितना भी फैल जाए लेकिन बीमारी नहीं फैलने देंगे। क्या बात है बच्चा, तू एक काम कर, तू ना अपनी स्टोरी जो है उसको सैनिटाइज कर पहले। तेरी स्टोरी में ना कोई विलेन है, ना कोई सस्पेंस है। है सर, है। हीरोइन का जो भाई है वही विलन है। अच्छा, यही तो सस्पेंस है। देखा, पूरा कहानी हमने सुना, आपको पता चला? नहीं ना? नहीं, पता नहीं चला ना? तो ये जो है हीरोइन का भाई वो विलन है। अब वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन क्या है कि सोनू सर हाथ धो के हीरोइन के पीछे पड़ गए हैं। अब जो भाई है वो कहता है कि यार मेरी बहन के पीछे पड़ा है ये तो गलत बात है, लेकिन हाथ धोकर पड़ा है ये अच्छा। अब इस बात से वो होता है खुश और अपनी बहन का हाथ सोनू जी के हाथ में दे देता है। फिर सोनू जी हाथ धोते हैं। अबे तेरी, अबे सर, अभी तो हाथ धोया था ना थोड़ी देर पहले। अरे यार, अब सोनू सूद और टॉम क्रूज़ के सांता क्रूज़ हो, लेकिन हाथ तो धोना पड़ेगा सर, वो भी पूरे 30 सेकंड के लिए धोना है। क्या हाल है सोनू जी? बहुत अच्छा भाजी, क्या बात है। बसे बुसे सब ठीक है? बहुत होती है भाई, बढ़िया। 30 साल से सुबह 4-4 बजे उठ के मैं इतना नहीं उठा जितना ये लॉकडाउन में उठ गए लोगों की नजर में। बहुत बढ़िया। मैंने सुना है बायोपिक बन रही है। आज बन रही है, और जहाँ बायोपिक बनती है वहाँ अक्षय कुमार खुद ही आ जाता है। बैठिए। आपने तो फिल्म करने से मना कर दिया था ना? जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, और जो मैं मना कर देता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? ये बस आप साथ में लाए हैं, ये मुझे हट्टा कट्टा डायरेक्टर लग रहा। चल बे कहानी सुना। सुनिए, तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होता है कि सुबह के 10 बजते हैं, अलार्म बजती है, आप जागे। पागल हो गया क्या? 4 बजे जागता हूँ मैं, 10 बजे नहीं। 4 बजे उठ के करते क्या है आप? मैं देखता हूँ कौन कौन सो रहा है। फिर मैं उन लोगों का काम छीन लेता हूँ। समझा? तू क्या हंस रहा है, तेरा भी तो ऐड छीना था मैंने। सुबह 4 बजे उठा करो, आत्मनिर्भर बनो। ये अच्छा अच्छा बात किया आपने, आत्मनिर्भर बनो, वरना कुछ लोग हैं जो अभी भी मामा पे निर्भर हैं। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा, मंटी पे खड़ेली आंटी बजा रेली बार बार घंटी, सबसे ये दूध दही मावा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी के बाटे खाने वाले आटे, मैं चाहे करूं मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे आ जाऊं मैं चाहे वहां जाऊं, कोरे को मैं कहूं काला, जीजे को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं ना चाबी बिना खोलूं ताला, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो बोलना नहीं, मुझे मत समझाना ना, झूठ सही चाहे पी जाऊं मैं चाहे कॉफी डाल के दही। ये क्या था? टैलेंट। सिर्फ चोटी लगाने से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट। कहानी सुनाए सर? कहानी सुना। सुनाते हैं। हीरो जो है घर पे बैठा, 4 महीने से घर पे बैठे, और कितना बिठाएगा तू? मुझे अभी इस साल 10 फिल्में करनी है। मैं तो इस बार मराठी गोवन फिल्में भी करने को तैयार हूँ। क्या क्या? कोंकणी फिल्में, जो हम बोलेला वो हम करेला, जो हम नहीं बोलेला इधर घंटा मुन्नाड़ी सोले ले, मद्रासी फिल्म भी करूंगा मैं। कहानी को आगे बढ़ाए। बड़ा बड़ा, चल सुना। ठीक है, तो आप अब घर पे नहीं बैठे हैप्पी? हाँ, आप घर पे नहीं है, आप काम पे जाते हैं। ठीक है, काम पे आपको काम दिया जाता है कि ये फ्रूट्स है, ये डिब्बा है, आपको फ्रूट उठा के डिब्बे में भरने हैं। आप मारेंगे मैं मारूंगा? क्या बकवास है ये? मैं क्या इतना बड़ा स्टार फ्रूट में डब्बा भरने के लिए बना? फ्रूट में डब्बा भरते डब्बे में मैं हो गया, मैं 4 महीने हो जाता है ऐसे, क्या करें? 4 महीने हो गए।
डब्बे में फ्रूट भरने के लिए मैं स्टार बना हूं। हैं? मैं फिल्में करूंगा, टैक्स भरूंगा मैं टैक्स। हाँ। सर भरिए टैक्स, खुशी खुशी भरिए, कहानी तो सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ सुना ना। अभी कुछ लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं, वो आपको ट्वीट करते हैं, आप उन लोगों को बाय एयर उनके घर तक पहुँचाते हैं। नहीं मैं बाय रोड छोड़ूंगा। क्यों? मैं एयर लिफ्ट कर चुका हूँ, अब मैं रोड लिफ्ट करूंगा, अब मैं ट्रेन लिफ्ट करूंगा, मैं सब कुछ लिफ्ट करूंगा। अब इतना सब कर ही रहे हैं, अच्छा अच्छा काम जो आप कर रहे हैं, तो ये अक्षय कुमार का जो मिमिक्री कर रहे हैं वो भी थोड़ा अच्छा कर दो ना। ठीक है छोड़ो यार, आपको साइन करते हैं, चलो फिल्म के लिए आई एम रेडी, ये आप साइन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है, आई विल साइन यू। मैं साइन नहीं करता। तो क्या करते हैं? मैं साइनिटाइज करता हूँ। हाँ एक मिनट ये दिखा। अरे ये तो आम... ये मेरा नया साइन है। बोल। समझा? ये हमारा पूरा फिल्म आपने गीला कर दिया है। अरे चल हट यहाँ से। अरे नहीं? क्या हट? हम नहीं करेंगे, आपके साथ फिल्म करना ही नहीं है। अरे उनका बायोपिक है वो खुद कर लेंगे यार, आपका क्या जरूरत है? नहीं करिए आप, जाइए। एक मिनट फोन है। हेलो, ये लेट बजा, पहले ही बज गया ये। हेलो काम पे ध्यान दो तुम लोग। क्या अजय देवगन बायोपिक साइन कर रहा है? कोई बात नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर नहीं इधर नहीं, आपको ड्राइवर गाड़ी निकालो, क्या कर रहे हो यार? क्वारंटीन में लोगों पता नहीं क्या हो गया। मैं चलता हूँ सोनू, बड़ा अच्छा काम किया है, मैं चलता हूँ। चलिए सर वो तो निकले, हमारे पास सर एक जॉक्स का पिटारा रहता है, एक सुना दे। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। एक एक जॉक बनता है। तो देखिए अंग्रेजी में जैसे आप किसी को कहते हैं कि टेक दिस स्ट्रॉ, किसी को कहा टेक दिस स्ट्रॉ, हिंदी में कह दो कि ये लो स्ट्रॉ, यही बात आप पंजाबी में कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। चलिए सर हम भी निकलते हैं, बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा वो फिल्म बनाएंगे सर, फिल्म बनेगा जरूर, हाँ करेंगे, थैंक यू। अर्चना जी, हाँ जी, सोनू पाजी जो इतना नेक काम कर रहे हैं, इनके साथ इनके बहुत सारे जो दोस्त हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस नीति गोयल जी को, जो कंधे से कंधा मिला के सोनू बाजी के साथ दिन रात काम कर रही है। प्लीज वेलकम नीति गोयल। नीति जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनू। और मैं ये आपको बात बताना चाहूंगा कि जिस समय आपको जितने भी लोग देख रहे हैं ये सब रिक्वेस्ट लोगों ने हमसे की कि सोनू पाजी और उनके साथ सभी दोस्तों को हम लोग मिलना चाहेंगे जो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना नेक काम कर रही हैं। सबसे पहले तो नीति हमें ये बताइए कि आप सोनू पाजी के साथ आप कैसे जुड़ी? तो सोनू और मैं एक्चुअली बचपन से दोस्त हैं, ये मोगा से हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे और छुट्टियों में हम लोग साथ में ही बताते थे, तो ये चंडीगढ़ आते थे या हम मोगा जाते थे, तो आपको याद होगा पहले गेम होता था गुल्ली डंडा करके, तो हम लोग साथ में खेलते थे एंड तब से हम लोग जानते हैं, पंजाब के हैं तो आपको पता है एक पंजाबी कल्चर, एक बार दोस्त बन जाए तो बस वो जिंदगी नहीं छड़नी। मुंबई में एक दूसरे को पूछ के जाते ना कि कैन आई कम टू मीट यू, पंजाब में थोड़ी होता, सीधा बेडरूम में घुसता सुता है तू, उठे भाई हूं भी होता। मैं हूं अभी भी मछली में जाता हूं, आज भी रेट में कि मैं सो रहा होता हूं तो ऐसे आंख खुलती सामने एक बंदा खड़ा हो जाए, तो मैं क्या विनाश का बेटा पहचाने नहीं तू, मैं क्या पहचाने पहचाने आ जा साडा मुंडा, ये ले ले फोटो, ले ले फोटो, ले ले मतलब आई मीन नो बेडरूम के अंदर आ जाते, कोई चक्कर नहीं उसका, मैं क्या ठीक है भाई। बड़ा खूबसूरत कल्चर है, प्यार अपनापन होता है, ऐसे कोई किसी के घर को जा भी नहीं सकता। पर नीति जी आपकी ये बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप बचपन की दोस्त हैं, नहीं तो मुझे लगता था कि बचपन के दोस्त भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि बचपन में पता नहीं होता ना दोस्ती किससे करनी किससे नहीं, किससे करनी है, बंदा ठीक निकलेगा कि नहीं, कि नहीं। अर्चना जी आपको पता है नीति जी के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं,
और नीति जी अर्चना जी का हर रेस्टोरेंट में उधार है तो मतलब ये कभी नंबर नंबर आप जी आ जाइए इधर भी उधार कर लीजिए इट विल बी माय प्लेजर जैसे ही मतलब ये रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे आई विल डेफिनेटली लव प्लीज आप जरूर आइए इट विल बी माय प्लेजर कपिल जी अभी आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है आपने बता दिया रेस्टोरेंट है बस अब यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट ही जाने वाली है तब आपको पता चलेगा कितना अपनापन होता है देहरादून वालों में भी अर्चना जी कोई भी हम लोग मुहिम चलाते हैं या कोई भी मिशन चलाते हैं तो सोनू पाजी तो वो चेहरा है जो सबके सामने लेकिन इनके साथ मिलके जो इनका साथ दे रहे हैं कोर टीम जो है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है तो मैं चाहूंगा कि सोनू पाजी की सारी टीम जो है वो मंच पे आए और सोनू पाजी खुद उन सबको एक एक करके आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं प्लीज वेलकम आइए सर यस तो दर्शकों ये जो आप वॉरियर्स देख रहे हैं ये सोनू पाजी के दोस्त भी हैं साथी भी हैं और ये कंधे से कंधा मिला के दिन रात जो है ये नेक काम को अंजाम दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा सोनू पाजी आप एक एक करके अपने सब दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाएं ये एक्चुअली टीम है जिन्होंने एक्चुअली बोलते हैं ना रियल वॉरियर्स जिन्होंने हमारे साथ खड़े हुए डे नाइट खड़े हुए सबसे पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस कार्तिक ये बोलते हैं जो आईटी वाले पूरे दिमाग वाले कहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं लाखों कॉल्स आ रही है उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है सारी वो टीम कार्तिक यूज टू हैंडल सुचित्रा कॉलिंग के अंदर अगर हजारों कॉल्स आ रही हैं सबको बताना है कि कहाँ पे कितने बजे पहुंचना है गोरखपुर की ट्रेन इधर है बिहार यहाँ जाना था सुचित्रा जो थी पूरी हैंडल करती थी ये साधु हैं हमारे यू नो बहुत टेक्निकल बंदे जिनको सब कोऑर्डिनेट करते थे कि हाँ यहाँ पे इतने पहुंच गए इनको मैं पहले पहुंचाता था कि आप बैंड्रा पहुंचे यहाँ पे संभालिए तो साधु यूज टू हैंडल इट चिंतन यूज टू हैंडल इट चिंतन भी मैं 10-15 साल से जानता हूँ इनको ये पूरी जब भाई हम लोग जब हजारों की गिनती में लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्योस ना हो और सबको पहले मेंटली रेडी करना कि आप सही सलामत पहुंच जाओगे तो ये लोग बातचीत करके उनको मेंटली रेडी करते थे कि आप जाने वाले हैं आप टेंशन मत लीजिए एंड यू नो दे यूज्ड टू हैंडल इट और के बोलते हैं ना जो कैप्टन ऑफ द शिप टेक्निकल के अंदर यू नो ही इन्वेंटेड द होल आईवीआर सिस्टम की जब लाखों हजारों कॉल्स आएंगी उनको कैसे मैसेज जाएंगे कोड जाएंगे कि अगर आज 5000 लोगों ने जाना है तो 5000 के पास हर एक कोड कैसे जाएगा और वो कैसे उसको लाया जाएगा तो के यूज्ड टू हैंडल इट गोविंद ये मुझे लगता है इसने 20 घंटे दिन के अंदर सड़कों पे ही बिताए होंगे खाना पहुंचाना उनको ट्रेनों में पहुंचाना हर स्टेशन से दूसरे स्टेशन गोविंद अजय धावा मेरे कॉलेज के दोस्त हैं सर भाई मेरे रूम पार्टनर भी रहे नागपुर के अंदर तो मैं इसको रोज ट्रबल करता था कि अजय चल हम चलते हैं निकालते हैं और रोज मुझसे शिकायत करके अपने घर में फोन करता था अपने पेरेंट्स को कि देखो आज अगर मुझे कुछ हो गया तो सोनू सूद जिम्मेवार है मुझे रोज लेके जाता था तो अजय पंकज इज माय चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इनको भी मैंने वॉरियर बना दिया और सॉरी पंकज आपको बहुत डंडे पड़े मेरे कारण कई बार भाई डंडे पड़ते ये और विशाल ने मुझे लगता है विशाल अम्बे खुद एक्टर भी हैं ये अच्छा? दोनों हमेशा वॉरियर्स रहते थे और इनको भाई डंडे और लाते बहुत पड़ी है क्योंकि जब मास्क पहने होता था तो जब भीड़ हजारों की आ गई तो पुलिस है वहां पे ये है तो इनको पता नहीं चलता था कि कौन बंदा जब हैंडल करना था तो इनको भी जिस पुलिस वाले से मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करके गया हूं जिसने मुझे परमिशन दी है उसी से लाफे पड़े क्योंकि तभी मास्क नहीं था अभी मास्क पर जो भी हुआ उसके लिए तो हम सब भी आपसे माफी मांगते हैं पर जो अभी ये जो सुख मिलता है अपनी आत्मा को ये जैसे अजय जी कह रहे थे कि यार कुछ हो गया तो सोनू जिम्मेदार होगा लेकिन अब ये जो प्यार मिल रहा है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं सोनू सर पर बिल्कुल सोनू सर तो है ही लेकिन आप सब लोगों का भी बहुत योगदान है सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ बधाई देता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि आप जो है इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं विशाल है विशाल खुद एक एक्टर है विशाल लांबा और इसने भी बहुत भाई मार खाई है मैं इससे जब भी इसको पढ़ी पहले मैंने इसको फोन करके बोला कि यार सॉरी विशाल गलती हो गई और गोविंद से भी मैंने सॉरी बोला पंकज को भी बोला यार मेरे चक्कर में आपको मार पड़ी बट आई थिंक दे वर वेरी वेरी चार्ज जब की भाजी कोई बात नहीं बोले देश को आजाद कराने के लिए अगर डंडे खाएं तो इसके लिए भी खा लेंगे हम बिल्कुल भाजी और जब आप इतना बड़ा काम करते हैं पंकज जी तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं पर एंड लास्ट भाई एरल जो है वो
बोलते हैं ना जैसे खाना पीना जितना भी आज भी डेट में हजारों लोगों को खाना जाता है, ट्रेन में जाता था, बसेस में जाता था, हर जगह बंद था. सो एरल और इनके साथ जो खाना चाहिए की हमारी टीम थी पूरी, वो पूरा का पूरा खाना लेके पहुंचते थे. तो आज भी खाने का डिपार्टमेंट एरल पूरा देखता. तो दिस इज द टीम रियली. जी सर प्लीज. कि उनको जब मार पड़ी थी, एक्चुअली तीन लोग थे, पंकज जी थे, गोविंद जी थे और विशाल जी थे. अच्छा जी. तो ये वसाई स्टेशन में हुआ था और हम भी थे, ऑन ग्राउंड टीम भी थी, हम भी थे. अच्छा जी. तो मैंने नोटिस किया कि इन्होंने रिएक्ट नहीं किया, स्पेशली पंकज जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप वहाँ से निकल के आ गए. तो उसके बाद पूरा भीड़ चला गया वहाँ से. फिर हम रात को करीब 3-4 बजे निकल रहे थे गाड़ी में. तो मैंने पंकज जी से ये पूछा था कि सर आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया. उन्होंने एक लाइन बोला जो शायद ये पूरे टीम का जो प्रिंसिपल है उसको दिखाता है. उन्होंने बोला कि मैंने रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पंकज करके एक इंडिविजुअल नहीं था वहाँ पे, मैं सोनू सूद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओह माय गॉड सर. और ये जो स्पिरिट है कि इतना ज्यादा था कि हम सब अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. और ये जो हम जिन लोगों को हेल्प कर रहे थे ना, हमारी सबके नंबर उनके पास है. सबका नंबर एक ही नाम से स्टोर है पूरे लाखों माइग्रेंट्स के पास, सोनू सूद जी के नाम. क्या बात है. दूसरा उनके नंबर है ना जो व्हाट्सएप की डीपी है सबकी, वो सोनू सूद की फोटो लगाते थे. तो प्रॉब्लम ये होता था हमें कि उनसे व्हाट्सएप में मैसेज आते थे और सोनू सर का भी मैसेज आता था. हमें कंफ्यूज हो जाता था कि किसका मैसेज. बीच में तो ये डाउट होता था कि अरे सोनू सूद सर घर क्यों जाना चाहते हैं, उनका फोटो और वही मैसेज आया. छा गए सब जगह और उनके उनकी वजह से हम हमारी भी मतलब जो भी है हम भी छा गए. एटलीस्ट हमारी नंबर जो है पूरी तो छा गई. क्या बात. वेल डन. क्या क्या कहानियां हैं आपकी जर्नी की सोनू. मैं आपको बता नहीं सकता कि बोलते हैं कि जिंदगी में पहले पंजाब से थे, पापा की शॉप पे भी बैठता रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी बन गए, फिर साउथ की फिल्म्स भी की, चाइना में जाके फिल्म्स भी की, सब कुछ किया लाइफ में, बहुत कुछ किया. पर जो ये लाइफ के आखिरी जो हमने 110 120 दिन हम लोग जो सड़कों पे बिताए हैं, मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन, मेरी ज़िंदगी के सबसे मैं कहूँगा खुशहाल दिन. मुझे जितनी खुशी और जितना मैं मोटिवेटेड इन दिनों में रहा, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई भी कितना भी बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो या कुछ भी हो, उतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी एक ट्रेन जाने में या 10 बसेस जाने में मिलती. ऐसा लगता था हर रोज एक नई हिट मिल रही है मुझे. और यू नो एक अगर आप अपनी जिंदगी में एक लाइफ को इम्पैक्ट कर दें तो आप बहुत खुश नसीब हैं. आपने तो इतने लाखों लाइफ्स को इतने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है. आप बहुत खुश नसीब हैं और हमारे हिंदुस्तान बहुत खुश नसीब है कि इतनी मुसीबत की घड़ी में आप जैसा इंसान. और भाई एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम पिछले कई महीनों से सारा जो देश है बहुत लो फील करता था. उनको लगता था कि आगे पता नहीं ज़िंदगी में कैसे वापस जो ज़िंदगी है नॉर्मल कैसे आएगी. तो मुझे नहीं लगता कि कपिल शर्मा शो से बेहतर कोई शुरुआत हो सकती है वापस वो खुशियाँ लाने के लिए. तो आई थिंक भाई एक बड़ी कमाल की बिगनिंग है और आई एम श्योर कि आने वाला जो समय है और खुशियों भरा होगा. और आपने शुरुआत कर दी. थैंक यू. और आप लोगों ने, आपने और आपकी टीम ने आज ये शो को जो है यादगारी बना दिया. और हमें आज दिल से अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि हम सब आपसे मिले, आज आपसे मुलाकात की और आपकी स्टोरी सुनी और इतनी इंस्पायरिंग है. सो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे. तो दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुनते हैं कि अगर इंसान के दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो तो हालात कुछ भी हों, आप अगर सच्चे दिल से निकलते हैं तो पूरा एक काफिला जो है वो कारवां जो है बनता जाता है. जैसा कि आप देख रहे हैं जिसका एग्जांपल सोनू बाजी और उनकी टीम है. एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए. और हम सब यही चाहते हैं कि हर इंसान के चेहरे पे मुस्कान हो, हर घर में खुशी हो, ये बीमारी हारे और हमारी जीत हो. तो इसीलिए कहता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रह के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए. गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू.